राजधानी दिल्ली में एक बार फिर गैंगवार का मामला सामने आया है। यहां बवाना इलाके में बाइक सवार गुंडों ने कुख्यात गैंगस्टर नवीन बाली के चचेरे भाई पारुल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला बवाना इलाके के सुल्तानपुर गांव का है। बता दें कि 12 राउंड गोलियां चलाई गईं और हमलावर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल इस वारदात में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के सहयोगी दीपक बाक्सर का हाथ होने की बात आई सामने आई है। यह हमला उस वक्त हुआ जब पारुल अपने घर के बाहर बैठा था। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश आए और पारुल को बेहद नजदीक की गोली मारी। पारुल की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पारुल को गैंगवार के चलते गोली मारी गई है। पारुल गैंगस्टर नीरज बवाना के राइट हैंड नवीन बाली का चचेरा भाई था। पारुल पर दीपक बॉक्सर की हत्या करवाने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक बवाना इलाके में 12 राउंड गोलियां फायर की गई है। बताया जा रहा है कि पारुल का 3-4 दिन पहले कुछ लड़कों के साथ झगड़ा हुआ था। पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं। गोली लगने के बाद आनन फानन में पारुल को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पत्र नहीं।